कई लोगों की प्रवृत्ति होती है वार करने की, आक्रमण करने की, प्रहार करने की। भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है सेवा करने की, आशीर्वाद ग्रहण करने की, देश को बढ़ाने की, देश की मान सम्मान बढ़ाने की, प्रदेश में सुविधाएं दिलवाने की। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। मैं स्वागत भी करता हूँ सचिन बिरला का। बहुत ही एक जुझारू जनसेवक हैं और राष्ट्र सोच की पार्टी में आज सम्मिलित हुए हैं, उनका स्वागत है और यही संकेत देता है कि कांग्रेस में क्या हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। टिकाऊ टिकाऊ को लेकर सवाल है, टिकाऊ टिकाऊ को लेकर सवाल है कि जो टिकाऊ है वो रहेगा और जो टिकाऊ है वो चले जाएगा, इसमें आप क्या कहेंगे? मैं टिप्पणियों पर टिप्पणी वापस नहीं देता। यही अपने आप में एक संदेश देता है कि कांग्रेस पार्टी में क्या हाल है। कई बार मेरी दादी क्षेत्र में दौरा करने आई, मेरे पूज्य पिताजी ने इस क्षेत्र की विकास और प्रगति की बीड़ा उठाई थी। जब रेल मंत्री बने थे तो पहला रेल का फैक्ट्री, स्लीपर का फैक्ट्री देश में अगर कहीं बनाया तो वो खंडवा में बनाकर आप लोगों के लिए समर्पित किया था। लाखों लोगों को उससे रोजगारी मिली। एक ही दिन में खंडवा क्षेत्र के लिए ट्रेन के स्टॉपेज की ऐसी बरसात की कि एक ही दिन में 8 ट्रेनों की स्टॉपेज खंडवा में दिलवाई थी जब रेल मंत्री थे। तो एक विकास का संबंध अतीत में, एक स्वतंत्रता की लड़ाई का संबंध वर्तमान में, एक विकास का संबंध सिंधिया परिवार का आप लोगों के साथ रहा है। सबसे बेहतरीन इंतजाम कोरोना के काल में किया गया था और आज तो मैं दांत देता हूं कि विश्व में कोई देश नहीं है जिसने 100 करोड़ टीकाकरण किया हो। केवल भारत वो देश है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिसमें 100 करोड़ का टीकाकरण किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहां है, और प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है कि जो लोग टिप्पणी कर रहे थे, जो लोग देश में नकारात्मक सोच रख रहे थे, कह रहे थे कि टीका नहीं लेना है, कह रहे थे कि टीका में मांस भरा हुआ है, 100 करोड़ का टीकाकरण करके केवल भारत की देश की जनता की जान नहीं बचाई पर पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है प्रधानमंत्री जी ने। और जो लोग कहते थे टीके के बारे में कि टीका मत लेना, फरेब का टीका है, आज वही कांग्रेसी लोग भागे भागे जा रहे हैं अस्पताल में टीकाकरण करवाने के लिए। मेरे भाई और बहन, तो आज खंडवा की जब बात होती है हमारी सोच और विचार। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।